अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। शोक की एक और वीडियो और वंस अगेन आज शाहजोर भाई के पास। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट बार बार आ रहे थे कि आपने दोबारा से जो है ना शाहजोर भाई के पास विजिट नहीं किया, तो अभी जो ना आज मैं आ गया हूँ। फाइनली आगाज़ करते हैं वीडियो का दुरूद पाक से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बड़ी ईद से फौरन बाद शाहजोर भाई का मैं शौक आपको दिखा के गया था, फिर मैंने आपको बोला था कि इंशाल्लाह जो है ना दोबारा से शौक करवाएंगे, तो अभी बिल्कुल जानवर तैयार हैं और मैं दोबारा से आया हूँ उनके पास शौक करवाने। बाकी शाहजोर भाई से मिलवाते हैं और इनका जो है ना शौक आपको दिखाते हैं। तो ये जानवर है जो जिनके लिए मैं आज आया हूँ शाहजोर भाई के पास, और माशाल्लाह से जानवर तारीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं, अपना आप खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहजोर भाई, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का, फाइनली जी मौका मिला है फिर दोबारा शौक करवाने का। ऐसा ही है, इससे पहले मैं आया था शाहजोर भाई के पास, लेकिन उस टाइम पे इनके जानवर तैयार नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि जब तैयार हुए तो फिर मैं खुद जो है ना आपको बुलाऊंगा। वैसे भी अभी ईद के दिन पास पास हैं, इनके भी चांद एक दिन रह गए हैं। और सुनाए कैसा जा रहा है शौक आपका? अल्लाह का जी बेहतरीन जा रहा है, आपको ऐसा लगा शौक? शौक तो माशाल्लाह से वो जानवर अपना आप खुद बता रहे हैं। ये देखिये माशाल्लाह से हाइट देखिए इस जानवर की, ये वही वाले जानवर है जो मैं पहले शौक करवा के गया था। ये पिछली बड़ी ईद पे लिए थे आप? आपने ना पिछली बड़ी ईद पहले दिन लिए थे? पहले दिन लिए थे, मतलब पूरा साल इनको आपके पास हो गया है। अभी दांतों में? अभी दांतों में दोनों चार चार। अच्छा, चार चार दांत है। जब लिए थे तब खीरे थे के दोंदे थे? ये चार चार ठीक हो गया, चार दांत में, वो भी चार दांत में, वो वही वाला है जी सूडानी क्रॉस में जो था। और ये बीच में कोई थोड़ा बीमार भी रहा है, वजन गिराया है, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह से देखें कितना हैवी तैयार हुआ है। और इसके साथ ये वही वाइट वाला जिन्होंने पुरानी बात में मुदस्सर भाई आपको बताया, आपने देखा था पहले जहाँ पे आए थे जानवर देखने जी, वो जगह कोई और थी, उसके बाद एक बार फिर देखने आए ऐसा ही है वो जगह कोई तकरीबन ये तीसरी जगह इनके लिए, तीसरी जगह। और आपको पता जानवर एक बार जब किला बदला जाता है जानवर ऐसा ही है, वैसे ही, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह से जानवर आपके बहुत जो है ना जबरदस्त आ रहे हैं। ऊपर थोड़ा सा बीमार भी हो गया था आपको बताया था मैंने, लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से महसूस नहीं हो रहा की इसने कभी बीच में जो है ना वजन गिराया भी है। और असल जो है ना एक तो जानवर की नस्ल और दूसरा पलाई, ठीक है, फिर जानवर अपना आप बता देता है। चार चार दांत में अभी, और दूसरे वाले का भी मैं शो करवाता हूँ। माशाल्लाह से लंबा फेस है, देखिए कितने कितने हैवी फेस हैं। इसका फेस ही माशाल्लाह मुझे पसंद आया था, इसके सिर्फ इसके फेस पे मैंने जानवर लिया। सही हो गया। अच्छा वो बात चल रही थी पहले शाहजोर भाई से जी, पलाई सर्विस के वाले से, काफ़ी सारे दोस्त जो है ना पलाई के बारे में पूछते हैं कि इधर जो है ना पलाई के लिए अगर जानवर रखवाना हो तो शाहजोर भाई का कोई प्लान बन रहा है जो है ना पलाई सर्विस जो है ना शुरू करने का, तो शाहजोर भाई तैयार हैं? फिर तैयार हैं जी, इंशाल्लाह आप आमीन करें। नहीं नहीं हम तो आमीन करेंगे, देखने वाले जो है अप्लाई करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी जानवर इस तरह तैयार हो, इस तरह के मतलब ईद पे आपके पास हैवी जानवर हो, तो वो जो है ना शाहजोर भाई शुरू कर रहे हैं पलाई सर्विस। आप अगर जानवर अपना जो है ना लेके इनके पास रखवाना चाहें तो रखवा सकते हैं, बाकी पलाई चार्जेस जो भी होंगे वो ये जो है ना आपको बता देंगे। मैं खुद ही बताएंगे, मैं खुद बताऊंगा जो भी करनी है। असल बात यह है ना कि मैं ही बता दूं, लेकिन संभालने आपने हैं, ठीक है, अखराजात आपने करना है। हाँ वो इंशाल्लाह बैठ के बात कर लेंगे जी। फिर आप में से अगर कोई भी भाई सीरियस हो कि आप अगर चाहते हैं कि इस तरह के जानवर हम भी पालें और हमें भी इस तरह के जो है ना तैयार जानवर मिले, तो वो फिर इंशाल्लाह सर्विस आपके लिए जो है ना शाहजोर भाई शुरू करेंगे। नीचे इन्होंने जो है ना जगह प्रॉपर बनाई हुई है जानवर के लिए, चला फिर आगे प्रॉपर तरीके से शो करवाएंगे। ये चेक करें माशाल्लाह से, अभी जो है ना मैंने तकरीबन ये समझ लें कि जो सीजन का शौक करवाना स्टार्ट किया ना, इससे हैवी दुम्बे मैंने अभी तक दिखाई नहीं है और ना मैंने खुद अभी तक देखे हैं। रहमान भाई आप इसको पीछे लेके जाओ, हैवी इतने है माशाल्लाह से काबू होने नहीं होते ये और इतने हैवी वेट के साथ इनके अंदर चुस्ती भी है, जानवर सुस्त नहीं है। हालांकि वेट ज्यादा हो जाए तो आपको पता है जानवर वैसे भी सुस्त हो जाता है, इतने हैवी वजन के साथ साथ सीढ़ियों से चढ़ा के। और ये असर है जी देसी खुराक का, ठीक है, कोई फीड शीट नहीं। वैसे खुराक मैं इनको दे के आ रही है आजकल, खुराक में आपको दिखाया अभी सुबह के टाइम पटे। अच्छा उसके बाद आपको फिर जो दिखाया नीचे गंदम जौ और सारा कुछ वही है, वो सारा आपने मिक्स बंडा आपने तैयार किया हुआ है, चने का छिलका चना वो सारा अनाज है, अनाज ठीक हो गया, कोई जो ना फीड वगैरह नहीं। अगर फीड वाला जानवर होता ना इतने वजन पे वो जानवर जो है ना इतनी चुस्ती नहीं दिखाता, पेट वाला जानवर होता है। हाँ पसंद नहीं है मुझे, आपको मैंने बताया भी अभी ऐसा ही है, ये जब लिया था जी इसका पेट फिर थोड़ा बहुत था, लेकिन अभी वो भी खत्म कर दिया है शाहजोर भाई ने। अभी देखिए जानवर आगे पीछे से बिल्कुल बराबर में आपको नजर आएगा। और पलाई ये ऊपर से देखें, अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह
माशाल्लाह का कमेंट लाजमी करना है जी। लास्ट टाइम पिछले साल आपको शो करवाया था, वो एक समझ लें कि बड़ा यादगार जानवर रहा है। क्या नाम था उसका? कालू। और वो उसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल है। ये शेरा और उसका इरा नाम मुझे याद है। और नीचे जो यहाँ पे इन्होंने जो ना जगह रखी हुई है वो भी आपको दिखा देते हैं जहाँ इन्होंने जानवर पालने हैं, और ये भी जिधर रखे हुए हैं। और आप में से अगर प्लाई सर्विस के लिए कोई जो है ना हो इंटरेस्टेड, तो पूरे साल के लिए प्लाई हो, मतलब पूरे साल के लिए कोई करना चाहे जब आपका दिल करे जानवर। नहीं नहीं, इस ईद के लिए तो अभी देनी ना बचे पीछे। शाहजोर भाई एक और बात क्लियर कर दें कि जानवर कोई भी होगा चल जाएगा कि आपने अपनी मर्जी से जो है सिलेक्टिव जानवर रखना है? नहीं नहीं, मैंने टोटल 8 से 10 जानवर रखने हैं बस। और अच्छा, और जानवर आपकी मर्जी का होगा तब रखेंगे? जानवर जो तरीके का होगा, जो ये ना मतलब साल पूरा रख के बंदा मेहनत करे और एंड में तैयार ना हो जानवर। यही बात है, पूरे साल की मेहनत जो है ना, आपने जानवर वो रखना है जिसकी आपको समझ होगी कि ये बनेगा पूरा साल अगर मेहनत की। लोगों के पैसे भी जाया ना हो, ऐसा ही है। अगर कोई जानवर अब जैसे आपको पहचान है इस तरह के जानवर, मतलब आप निकाल के लेके आते हैं अपने लिए, कोई अगर आपके थ्रू परचेसिंग करना चाहे कर लेंगे। नंबर शहजोर भाई का इस मरतबा चलाऊंगा जी स्क्रीन पे इंशाल्लाह, ये आपको जो है ना प्लाई सर्विस देंगे और इसी तरह के इंशाल्लाह आपके भी जानवर तैयार होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के हमारे देसी जानवर जो है ना अच्छे तैयार हों, तो ये आपको जो है ना सर्विस मिल जाएगी। जानवर पूरा आपको पता, जानवर पूरा कोई फीड वाला कोई चक्कर नहीं होना बीच में, तो ऐसा ही है। खुराक में साथ साथ वो खुराक अभी जाके नीचे दिखा भी देंगे, खुराक दिखा भी देते हैं साथ में। आपको पता है सारी, मैं मतलब मुझे आपने तो वो शौकीन बंदा हूं, मेरा ऐसा ही है। शौकीन बंदा कभी भी ये जो है ना दो नंबरी वाला काम नहीं करेगा फीड वाला, क्योंकि उसने अपनी जात के लिए रखने हैं। और आपके भी जानवर इंशाल्लाह यही समझेंगे कि ये अपनी जात के लिए तैयार हो रहे हैं। सर प्यार होना है जानवर से पूरा टाइम, मैंने खुद रखने हैं जब जानवर, तो फिर ऐसा ही है, उसमें दो नंबरी हो नहीं सकती। देसी खुराक पे इतना जानवर तैयार होता है तो फिर फीड लगाने का फायदा भी तो नहीं, फीड की फिर जरूरत ही नहीं है ना। अगर देसी खुराक पे इतना जानवर तैयार हो रहा है तो इससे एक्स्ट्रा देखो, अब आप जानवर में एक चीज चेक करें ना, जानवर में चुस्ती आप चेक करो, ऐसा ही है। जानवर फीड वाला होता है इसको, और जितनी सीढ़ियाँ चढ़ गया है फीड वाला जानवर तो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। ये इसका मुंह देखो, अभी ये इसका भी मुंह देखो, ये कितने फ्लोर पे हम खड़े हैं? ये पांचवा फ्लोर है, पांचवा फ्लोर है। और पांचवें फ्लोर पे इतना हैवी जानवर चढ़ाना कोई इतना आसान काम नहीं है। और ये जानवर देसी खुराक पे पले, इस वजह से इनमें इतनी चुस्ती है। अगर इतना फीड वाला जानवर होता वो नीचे ही रह जाता, नीचे ही रह जाता, मुंह ही ना खोल, मुंह खोल रहा, मुंह भी नहीं खोल रहे, देखे आम भी नहीं रहे हैं बिल्कुल। जानवर को मैं छोड़ के जाकर तो जानवर को जितना मर्जी भगाओ, इंशाल्लाह गर्मी भी आपको पता कितनी है। ऐसा ही है, जरा चला रहे हैं आगे इनको दोनों को एक साथ। जब भी शौकीनों की बात होती है ना, फर्स्ट पे मैं शहजोर भाई का जिक्र करता हूँ, जो इन्होंने लास्ट टाइम कालू पाला था ना, वो मतलब एक हम देख के रान थे कि ये जानवर बनेगा कि क्या सीन है। जब आगे देखा इधर, शहजोर भाई ने मुझे बुलाया था कि आपको जानवर दिखाना है, तस्वीर मुझे दिखाई है, मैं सोचने लगे हूँ अभी मैं जाऊँ ना जाऊँ इस जानवर के लिए। और जब आगे इधर तैयारी देखी है तो मैं हैरान था माशाल्लाह से। प्रैंक हमारे साथ हुआ था ना पिछली मरतबा, इतने वजन के साथ सीढ़ियाँ उतारना भी बड़ा डेंजरस काम है, लेकिन ये जानवर आती है इधर उतरने के। अभी नीचे लेके आए हैं इनको, ज़रा आपको दिखाते हैं जहाँ इन्होंने रखे हुए हैं और बाकी जो प्लाई सर्विस इन्होंने करनी है। शेरा आ गया, अभी पीछे रह गया हीरा, उसको भी लेके आते हैं। ये इनकी जगह है पक्की जो प्रॉपर है। हीरा आ गया, इतना जो है ना वजनी जानवर सीढ़ियों से उतारना भी रिस्क है। ये ले जी, दोनों शहजादे आ गए अपनी जगह पे, पंखा लगा हुआ है। वो तो फिर पूरी एनवायरनमेंट इनको मिली हुई है ना, इसीलिए स्पेशल इनके लिए सीलिंग वगैरह हुई है, पंखा लगा है, ऐसे एनवायरनमेंट में पलता है जानवर। अगर आप गर्मी धूप सर्दी इसका ख्याल नहीं करेंगे, खुराक देते रहेंगे, ऐसा जानवर नहीं बनेगा। ये नीचे सफाई के लिए जिन्होंने पायलट लगाए हुए हैं ये लकड़ के, खुरली भी इधर बना ली उन्होंने प्रॉपर। और अभी इनको दिखाते हैं आपको जो है ना इसकी खुराक, जो इनको खुराक दे रहे हैं जानवर। छत पे इसलिए लेके गए हैं, ज़रा उधर चलने फिरने की जगह थी, यहाँ चलाने फिराने की जगह नहीं है। अभी आपको दिखाते हैं इनकी खुराक जो कि ये खा रहे हैं। अभी एक टाइम पर इनको सब्ज़ा और दूसरे टाइम पर जो है ना इनको मिल रहा है वो जो स्पेशल दाना है इनका। अभी भी ये देखें इनके सामने पड़ा हुआ है, वो दाना मैं दिखाता हूँ और कितनी क्वांटिटी में डाल रहे हैं वो भी आपको बताऊँगा। पिछली मरतबा भी आए थे शौक देख के, माशाल्लाह से पूरा साल मैं भुला नहीं उनका कालू देख के, और इस मरतबा तो ये माशाल्लाह से मेरे ऑलरेडी नज़र में थे, वो मैं एंड में दिखा गया था आपको कालू। और ये तो मैंने जब परचेज हुए तब भी देखे, आपको भी दिखाए हैं, खुद भी देखे थे, उसके बाद भी मैं आके देखे गया हूँ और आज दोबारा से। ये मैंने स्पेशल बंडा वो जो है ना वो अनाज जो है वो मंगवाया है, ये देख लें दाना होता है जी,
ये देखे इसमें जौ, गंदम, चने का छिलका और ये दाल माश का करा, सफेद चने का छिलका, ये सारा खुद ही लेके मिक्स करवाते हैं कि मिक्स हुआ मिलता है। ये गुल्ली भी है इसमें, ये ना हसनपुर से मैं मंगाता हूँ आपको, पहले भी आप पिछली बार आए थे आपको बताया था। इसके अंदर एक गुल्ली आप देख रहे हो, ये हाथों पे इसको घोल की गुल्ली है सारी ये। सही सही, ये ना गर्मियों में, हाँ ये ठंडा रखता है गर्मियों में, ये वैसे गुल्ली बड़ी। ये मतलब आप एक जानवर को आप एक साथ ही डालते हैं या अलग अलग करके? नहीं, एक तो जानवर को तकरीबन थोड़े थोड़े शुरू कर देंगे, थोड़ा भारी दाना। अच्छा, ये अभी जैसे ही आपके पास इतने बड़े जानवर है, ये कितना खा जाते हैं एक टाइम पे? एक टाइम तकरीबन किलो डेढ़ किलो एक खा जाते हैं एक जानवर। एक जानवर मतलब दोनों जानवर दिन का 3 किलो खा रहे हैं? दिन का 3 किलो मतलब 3 किलो ये अनाज खा रहे हैं, और उसके अलावा पट्टे कितने सबज खा रहे हैं? पट्टे जाते हैं जी तकरीबन 7 किलो एक जानवर के, दोनों के। अच्छा दोनों के। ये फिर सूढ़ी। अच्छा ये सूढ़ी है, देखें ये भी उसी में मिक्स करके या अलग से? ये तो तीसरा टाइम है ना जी। अच्छा, तीन टाइम खुराक लग रही है? तीन टाइम जाती है खुराक। अच्छा अच्छा, ये किस टाइम की खुराक है? ये सूढ़ी है रात की खुराक है। अच्छा रात की। ये सूढ़ी और इसके अंदर खल मिक्स करके, खल बनोला जो होती है हाँ, वो मिक्स करके देते हैं। सूढ़ी भी आप देखो आम, ये कितनी क्वांटिटी में होती है? ये तकरीबन आधा किलो सूढ़ी हाँ, और पाओ एक पाओ या थोड़ी ज्यादा पाओ से ना खल। अच्छा, ये देखे अभी इसको पता है कि इधर पड़ा हुआ है। ये भिगो के रख देते कितनी देर के लिए? ये भिगो के रख दो 4-5 घंटे के लिए। फिर उसके बाद रात को कितने बजे देते हैं इनको? इनको रात को मैं तो नहीं डालता, रात को जो कारीगर जो है वही डालते हैं। 12-1 बजे 12-1 बजे मतलब मतलब एक खुराक के बाद दूसरी खुराक तक तकरीबन 8 घंटे का फर्क होता है। 8 घंटे का फर्क होता है। सुबह फिर 12 बजे डालता हूँ, 6 बजे ये डालता हूँ। सुबह 12 बजे इनको सबक पटे, 6 बजे ये डालता हूँ, 6 बजे ये, और फिर रात को 12 बजे। ठीक हो गया। ये मैं इसलिए तफसीली वीडियो बना रहा हूँ, ये काफी सारे दोस्त कहते हैं कि आप खुराक के बारे में नहीं पता करते, और ये है इनकी सारी खुराक और पूरे दिन की रोटी। आप इसमें ये चने देख रहे हैं आप? ऐसा ही है, ये आम वाली सूढ़ी नहीं है, महंगे वाली सूढ़ी है। इसमें चने देखे, दाल देखे कैसे सही, और इसके अलावा जो तेल छेल है, तेल सरसों का कौन सा? सरसों का तेल कितने सीसी? अच्छा ये सरसों का तेल वगैरह जो है, और ये कितने दिनों बाद? रोज आता है डेली। कितने सीसी? तकरीबन 15-20 सीसी तेल होता है। अच्छा, साथ में दही थोड़ा सा ले लेता हूँ, दही कच्ची बना के गर्मियों में देता हूँ। ठीक ठीक, और सर्दियों में घी वगैरह? सर्दियों में घी वगैरह। ठीक हो, घी और गुड़ मिक्स करके वो आटे में ना, सही। ये देख लें जी, ये खुराक है, और तब जाके माशाल्लाह से ये चीज़ें बनती हैं, और ये माशाल्लाह से देख के दिल खुश हुआ है। ईद पे मैं ईद के बाद फौरन आया था इनके पास, इन्होंने परचेजिंग की थी। ये बड़ी ईद के रात को मेरे ख्याल से परचेजिंग हुई थी ना? बड़ी ईद की पहले दिन की रात की परचेजिंग है। सही होगा, क्योंकि पिछली मरतबा माल रुका बहुत था, बहुत रुका था माल, अल्लाह खैर करे इस बार, इस मरतबा भी वही हालात है। इस बार पिछली बार ज्यादा बुरे हालात, ऐसा ही है। और दूसरा ये ना, महंगाई की वजह से आवाम की सख्त ही नहीं है, क्योंकि व्यापारी लोग ऐसा ही है, ऐसा ही है, पूरे साल की मेहनत होती है, और फिर बस ये है कि व्यापारियों को भी चाहिए कि तरीके से थोड़ा रख लें, लेकिन काम चलने दें, काम को रुकने ना दें, क्योंकि अगर वो इस चक्कर में ना कि एक जानवर से यहाँ 50,000 नहीं 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 अभी वो हालात ही नहीं, अगर एक जानवर से 50,000 कमाने के चक्कर में चलेगे ना, वो 50-50 जानवर वापस ही जाएंगे, फिरते रहते हैं आप, ऐसा ही है। और ये नमक पूरा दिन पड़ा रहता है इनके आगे, ये देखें जी, नमक आप जो भी जानवर रखे हैं इसके लिए लाजमी होना चाहिए। ये जो कहते हैं हमारे जानवर मट्टी खाते हैं, ये द्वार चाटते रहते हैं, वो इसी वजह से करते हैं कि आप नमक नहीं उनके आगे रखते हैं। बाकी शादोर भाई यहाँ पे नंबर बता दिए अपना, 0334537329, और लोकेशन बता दिए अपनी, लोकेशन नंबर पूरा चौक शर्मा की बैक साइड। ठीक हो गया, ये रावलपिंडी है जी, हाँ ये फार सेल नहीं है, ये इनकी आम कुर्बानी की है, ठीक है। ये नंबर सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आपने अगर पलाई सर्विस हासिल करनी हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे कि इस साल अगर हो गया सेटिंग, तो अभी थोड़ी बहुत सेटिंग है, क्योंकि जानवर आते आते में ऐसा ही है, आपको पता है, तो नीचे मेरे पास पूरा पोर्शन है। अगर आपके थ्रू परचेजिंग भी करना चाहिए, आप खुद से परचेज करके रख लेंगे, परचेजिंग भी कर लेंगे कुछ, ठीक हो गया। अभी मैंने जाना है वैसे, ये कल शायद जाऊँगा वाली साइड पे, अच्छा अगले साल के लेंगे, देखूँ क्या पता तुम भी ले लो, चले वो अगर आपका आया कुछ नया जानवर हो भी इंशाल्लाह दिखा देंगे। बहुत शुक्रिया शादोर भाई, तो अल्लाह पाक आपका शौक सलामत रखे, और हर बार की तरह जिस तरह शौक करवा रहे हैं जना, हम शौकीन को सबको जना शौक करवाते रहे आप, अगले साल, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने की बान।